बच्चों, पिछले वीडियो में मिरर फार्मूला से मतलब क्या किए थे, क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उस पर बताए थे कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक मेथड क्या है, कैसे सोचते हैं सॉल्व करने का। आज हम और एक मिरर फार्मूला से ही रिलेटेड क्वेश्चंस है, थोड़ा सा हटके। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से पढ़िए बोर्ड पे, कि अ कॉनकेव मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 48 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहने का मतलब है आर्क, वो कितना है 48 सेंटीमीटर। हाउ फॉर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इफ वी गेट एन इमेज, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस दूर पे रखे कि इमेज का फॉर्मेशन, फर्स्ट नंबर है क्वेश्चन कि वर्चुअल होना चाहिए, एंड 6 times द साइज ऑफ इमेज, मतलब इमेज का जो है वो वर्चुअल बने और साथ ही साथ कितना बने, 6 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है, मतलब इमेज का जो साइज हो वो 6 times होना चाहिए ऑब्जेक्ट के साइज से। इसका मतलब है बच्चों, एक तो क्वेश्चन से समझिए, आपको एक कॉनकेव मिरर है ना, तो आपको एक बात तो याद रहना चाहिए कि यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में एक रिलेशन होता है, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उस वीडियो को देखिए, आपको उसमें अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अभी हम बताएंगे डायरेक्ट यूज करेंगे उसको। तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, तो क्या है फोकल लेंथ, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो बच्चों, इसको सॉल्व कर रहे हैं, बारी बारी से सबको सॉल्व करेंगे, इसमें एक ही क्वेश्चन में 3 questions है, तो आप देखो और ध्यान से देखना ताकि समझ में आए। दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर 48 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या चाहिए, फोकल लेंथ का रिलेशन होता है r/2, तो क्या है 48/2 मतलब कितना होगा 24 सेंटीमीटर ना। चलिए उसके बाद एक बात और देखिए, हमारा केस देखो कि कह रहा है कि वर्चुअल इमेज बनेगा। सोचो तो वर्चुअल इमेज किस केस में बनता था, जब कॉनकेव मिरर था और पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते थे, तभी तो बिहाइंड द मिरर इमेज बनता था और वर्चुअल बनता था, इनलार्ज बनता था और अपराइट बनता था प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये सब आपको कहां, आप यदि इमेज फॉर्मेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा, वो फालतू का नहीं बताया गया था। यदि आपको वो नहीं आएगा और ध्यान में नहीं रहेगा तो आप कैसे सोचोगे, नहीं सोच पाओगे। तो सोचने के लिए तो आपको हर टॉपिक आपको नॉलेज में होना चाहिए, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो कैसे हम सोच रहे हैं, इसे ध्यान से देखो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो फोकल लेंथ हमें जरूरत पड़ेगा, तो रिलेशन क्या है, फोकल लेंथ इक्वल टू r/2, तो r/2 से हमें 24 सेंटीमीटर आया। चलो वर्चुअल है, इसका मतलब है बच्चों वर्चुअल है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि m जो होगा, मैग्निफिकेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब m जो होगा वो पॉजिटिव होगा तभी वर्चुअल इमेज बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। यदि m नेगेटिव हो गया तो वर्चुअल इमेज बनेगा नहीं। तो अब देखो फिर क्या बोला है, 6 times ऑफ द साइज ऑफ इमेज, मतलब m जो है बच्चों hi/h0 होता है। क्या लिखोगे यहाँ, 6 = hi/h0, मतलब hi जो होगा वो 6 times होगा। चल तो क्वेश्चन जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं, यही तो बात बोल रहा है कि इमेज का जो साइज होना चाहिए, मतलब हाइट जो होना चाहिए वो 6 times होना चाहिए ऑब्जेक्ट के हाइट से। चलिए हो गया। अब क्या है, इस बात से आपको क्या फील आया, इसका मतलब है बच्चों कि हमें मैग्निफिकेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, m कितना दिया हुआ है, m जो है वो 6 दिया हुआ है और पॉजिटिव में दिया हुआ है, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव यूज करोगे तो क्या लिखोगे, वर्चुअल नहीं बनेगा इमेज, रियल बन जाएगा, तो इस बात को ध्यान में रखना है, तो प्लस का बना। चलिए अब हमारा क्या है, m जो है बच्चों एक और रिलेशन v/u का होता है, -v/u का। v हमारा क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम
फ्रॉम पोल और यू क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। तो ये सारा बात है। तो मैग्निफिकेशन क्या है हमारा 6 दिया हुआ है, तो v अपॉन u माइनस v अपॉन u, तो हम क्या लिखेंगे यहां से बोलो तो बच्चों, v हम u इक्वल टू या v इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस का 6 से, कोई दिक्कत क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए ना इस तरह से। अब चलो इतना बात हो जाने के बाद हम क्वेश्चन को ऊपर से थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं ना, थोड़ी सी मिटा रहे हैं, ये दोनों रहने दीजिए ताकि हमारा काम का चीज है। बच्चों अब क्या लिखोगे ध्यान से देखो, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या लिखिएगा, 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस का 1 बाई यू, यही ना लिखोगे। चलो लिखो तो क्या क्या होता है, हमें f मालूम है, अब f क्या लोगे, साइन के साथ लेना है ध्यान रहे, तो f क्या होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नेगेटिव, क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर है ना, तो कॉनकेव मिरर में क्या है, पोल से इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट करोगे, या ऐसा ही याद रखो बच्चों कि कॉनकेव मिरर जब भी हो तो हमारा फोकल लेंथ जो होगा वो नेगेटिव ही होगा, तो नेगेटिव 1 बाई कितना माइनस का 24। चलिए आगे बढ़ो, हमें भी तो मालूम नहीं है, भी क्यों नहीं मालूम है, वहां से मालूम है हमें 1 बाई माइनस का 6u प्लस का 1 बाई u, कोई परेशानी क्या, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लोगे तो 1 बाई माइनस का 24 माइनस 1 बाई 24 और एलसीएम लोगे तो 6u और यहाँ पे बचेगा बच्चों, यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 और प्लस का 6, कोई परेशानी क्या, माइनस का 1 प्लस का 6। चलिए ये सारी कहानी, अब क्या बनाओगे, एलसीएम कितना होगा, बात सही है ना, एलसीएम देख लो चेक करके क्या होगा, देख तो u निकालोगे तो 6 और यहाँ पे u बचेगा मतलब 1 बचेगा मतलब 6u ना, और कोई परेशानी क्या, चलो 6 यूं ही होगा, तो ए हो गया। अब देखो हम नीचे मिटा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा टर्म मिटाओगे यहाँ पे ताकि हमें लिखने में चलिए देखो आगे, यहाँ पे देखो बच्चों क्या लिखोगे, माइनस का 1 बाय 24 इक्वल टू क्या लिखोगे 5/6u, 5 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ यहाँ कैंसिल करो, 6 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब क्या लिखोगे, माइनस का 1 बाय 4 इक्वल टू 5 बाय यू, क्रॉस मल्टीप्लाई अब कीजिए तो माइनस का यू इक्वल टू 20 मतलब यू इक्वल टू कितना माइनस का 20 सेंटीमीटर। इससे क्या फील हुआ, इससे मतलब माइनस साइन दे रहा है, इसका मतलब है कि जो भी आप मिरर लिए हो ना उसके लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा होगा और कितने दूर रखा होगा, 24 से मतलब 20 सेंटीमीटर दूर रखी हुई होगी, और 20 सेंटीमीटर दूर यदि ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज हमारा वर्चुअल बनेगा, अपराइट बनेगा, और 6 टाइम हमारा क्या होगा इमेज का ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो मतलब बड़ा बनेगा इमेज का साइज, यही होने वाला है। चलो अब हमें यदि भी निकालना पड़े तो यहीं से निकालो, भी इक्वल टू रिलेशन है 6 इनटू यू, यू तो दिया हुआ है माइनस का कितना 20 सेंटीमीटर, माइनस का 20 सेंटीमीटर, तो अब क्या लिखोगे, ध्यान रहे माइनस साइन से प्यार करना है, सीधी सीधी बात है कि साइन को छोड़ना नहीं है। अब कहोगे कि यहाँ माइनस यू दिया है तो माइनस यू और यहाँ माइनस नहीं रखो, अरे क्यों नहीं रखोगे, यू तो हमारा माइनस में आ रहा है ना, माइनस ही रखो तो पॉजिटिव आ जाएगा, सर पॉजिटिव आ गया तो आने दो ना, क्या बात है, आना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि मिरर के हम बिहाइंड द इमेज बनता है, राइट साइड बनेगा इस, और तभी तो वर्चुअल, याद करो मिरर मतलब इमेज फॉर्मेशन, जब हम पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट रखते थे तो बिहाइंड द मिरर बनता था और दूर मिरर से दूर बनता था और राइट साइड बनता था, आना भी चाहिए पॉजिटिव और आया, क्या दिक्कत है। तो इस तरह से हमें इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम हुआ। दूसरे केस के लिए देखो, यहाँ देखिए रियल होगा
एंड सिक्स टाइम द इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब क्या होने वाला है, ध्यान से देखो, इसको मिटा रहे हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां भी क्या होगा, अभी भी वही क्वेश्चन है, तो f क्या होने वाला है 24 सेंटीमीटर और कॉनकेव मिरर है, तो f क्या लीजिएगा 24 माइनस में ना रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना था 48 सेंटीमीटर। चलिए रियल है, रियल रियल, इससे क्या फील आता है कि मैग्निफिकेशन जो होगा वो 100% नेगेटिव होने वाला है, तभी तो रियल बनता है। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब रियल इमेज के लिए, रियल के लिए ना। उसके बाद कह रहा है कि साइज जो होगी बच्चों वो सिक्स टाइम है ऑब्जेक्ट से, किसके हाइट ऑफ इमेज से। चलिए रहने दीजिए, अब क्या है इस बात को, अब क्या करोगे, एम हमारा कितना दिया हुआ है, इसका मतलब माइनस का सिक्स दिया हुआ है, तभी तो रियल है। यदि रियल नहीं रहता, वर्चुअल रहता तो पॉजिटिव लेते, रियल है। चलो अब यहाँ पे आओ, फिर उठ के यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, एम इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू होता है, माइनस यू और माइनस बी अपॉन यू क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस से माइनस गैप हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, हमारा वी इक्वल टू सिक्स यू आएगा। चलो आने भी चाहिए, आया भी, इतना हो गया। अब क्या करोगे, ध्यान से देख, एक बात और हम वो नहीं कर रहे, करना भी जरूरी नहीं है, वो क्या लिखा है कि मान लो m इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट होता है माइनस का सिक्स, तो एच आई अपॉन एच नॉट मतलब एच आई जो होगा वो सिक्स एच नॉट होगा, प्लस का मॉड लगा दो तो h इक्वल टू क्या होगा सिक्स, मतलब यही है, यह कोई काम का चीज नहीं है, इसलिए हम नहीं लिखे थे ना, बस वो समझाने के लिए पहले क्वेश्चन में उतना किया गया था। तो यही बात है कि सिक्स टाइम हमारा क्या है, इमेज जो है वो बनेगा। चलिए आगे देखो, इतना हो गया, अब फिर मिरर फॉर्मूला लगा दो, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या लिखोगे बोलो, तो मिरर फॉर्मूला से 1/f इक्वल टू 1/d प्लस 1/u होता है, लगाइए 1/-20 का 20 सेंटीमीटर और 1 अपॉन कितना 6u प्लस का क्या लिखोगे 1/u, हमें कुछ नहीं मालूम, जैसा है वैसा, साइन क्या है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भी है, तो माइनस का 24 इक्वल टू एलसीएम 6u मतलब क्या लिखोगे 1 प्लस का क्या लिखोगे 6, 1 प्लस का 6, वहां पे क्या लिखे थे 6 आया। उसके बाद अब क्या होने वाला है, सॉल्व करो ना, कुछ नहीं है, सॉल्व करो, यहां से ये मिटा रहे हैं, ध्यान से रखना है बच्चों, ये मिटा, स्क्रीनशॉट कर लेना है। चलो अब क्या करोगे, 1/ यहां पे मिटाओ, ये सब भी मिटाते हैं, चलिए ये अभी थर्ड क्वेश्चन का पार्ट है, इसको रहने दो, अभी बनाएंगे इसको। अब देखो क्या लिखोगे, यहां से माइनस का 1/24 इक्वल टू क्या लिखोगे 7/6, दिस से दिस गैप मतलब 4 बार में, तो माइनस 1/4 इक्वल टू 7u मतलब u इक्वल टू माइनस का 28 सेंटीमीटर ना, माइनस का 28 सेंटीमीटर, और आना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि इमेज हमारा क्या, इमेज रियल बन रहा है और कॉनकेव मिरर है, तो ऑब्जेक्ट किधर, मिरर से राइट साइड लेफ्ट साइड रखा रहेगा, तो यही इसीलिए माइनस साइन इंडिकेट किया कि ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड रखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लेस लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, जो भी मिरर है, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर है, उसके लेफ्ट साइड रखा हुआ है। चलिए भी के साथ क्या रिलेशन था, 6u, तो भी इक्वल टू क्या होगा 6 इंटू का माइनस 28, तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 इंटू 6
मतलब क्या 48, तो 8 हुआ, 4 बचा, तो 12 और 60, मतलब 168 सेंटीमीटर ना, मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करने के बाद यही आने वाला है, और माइनस साइन आना चाहिए क्योंकि रियल है, और रियल है तो किधर, इमेज जो है वो मिरर के लेफ्ट साइड ही बनेगा, तो ये सारा कहानी है। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है रियल है, रियल है इसका मतलब क्या है, फिर मैग्निफिकेशन नेगेटिव ही होगा, और उसके बाद 1/6 टाइम ऑफ द साइज ऑफ इमेज, मतलब मिरर ऑब्जेक्ट का जो हाइट है उसके 1/6 हाइट के बराबर होना चाहिए इमेज का हाइट, यही तो बोल रहा है। तो रियल है मतलब यहाँ भी -24 सेंटीमीटर यूज करोगे, और क्या है रियल है तो मैग्निफिकेशन क्या है निगेटिव होगा रियल के लिए, ये भी बात सही है, और साथ ही साथ m जो होगा बच्चों माइनस का 1/6 होगा, तो यह भी बात सही है। अब क्या है m इक्वल टू माइनस का v अपॉन u लिखोगे, तो माइनस 1/6 इक्वल टू माइनस v बाई u, माइनस से माइनस गए तो v 6 v इक्वल टू क्या लिखोगे u, मतलब क्या है v इक्वल टू u अपॉन 6 लिखोगे, चलिए वही बात है। फिर अब क्या करोगे, मिरर फॉर्मूला में सारे वैल्यू पुट करो, मिरर फॉर्मूला में पुट करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे u अपॉन 6 और यह u मतलब हो गया, उसके बाद क्या लिखोगे माइनस 1/24 इक्वल टू क्या है 6 अपॉन u प्लस का 1/u, एलसीएम आएगा बच्चों u, तो क्या है 6 प्लस 1 और 1/ क्या लिखोगे 24, 1/24 हो गया। आगे देखिए, आगे बढ़ो, आगे क्या होगा देखना, आगे माइनस का 1/24 इक्वल टू क्या लिखोगे 7 अपॉन u, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो माइनस का u इक्वल टू 7 इंटू क्या होगा 24, मतलब u इक्वल टू क्या होगा माइनस का 4 इंटू 7 इंटू 4 8, मतलब 28, 2 बचा और 14 और कितना 2, 16 सेंटीमीटर, और आना भी चाहिए माइनस का आना भी चाहिए क्योंकि रियल है, कॉनकेव मिरर है तो ऑब्जेक्ट के और मिरर के लेफ्ट साइड ही रखा रहेगा, तो ये सारी कहानी है। वी का क्या रिलेशन है, वी इक्वल टू है यू अपॉन 6, तो रखो माइनस का 168 अपॉन का 6, इसको जब कैंसिल आउट करोगे बच्चों 2 से कैंसिल करो तो 8 और 4 यहाँ 2 बचे, मतलब 3 बचेगा ना, और क्या है माइनस का इतना, और इसको जब डिवाइड करके जो लिखोगे वही हमारा आंसर आने वाला है, और माइनस साइन आएगा तो अच्छी बात है, आना भी चाहिए क्योंकि हमारा रियल है तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, मतलब इमेज जो फॉर्म होगा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, और माइनस साइन वही तो इंडिकेट कर रहा है जो भी आपको यह पॉइंट में आंसर आने वाला है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, और इससे और रिलेटेड हम क्या करने वाले हैं थोड़ा, न्यूटन्स फार्मूला क्या होता है मिरर के केसेस में, मैग्निफिकेशन हम या लेटरल मैग्निफिकेशन पढ़े हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं बच्चों। तब तक आप क्या है जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड उसको बनाइए, और हम ऑलरेडी क्या है एनसीईआरटी जैसे ही क्वेश्चन या खत्म होता है ऑप्टिक्स रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो जब दोनों टॉपिक खत्म हो जाएगा तो एनसीईआरटी हम जरूर सॉल्व करेंगे। टेंशन नहीं लेना है कि यह सिलेबस टाइम से खत्म होगा कि नहीं, बिल्कुल आपको बिफोर एग्जाम हर मॉडर्न फिजिक्स और या वेव ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स सारा चीज खत्म हो जाएगा मार्च से पहले, तो टेंशन नहीं लेना है, बस आपको वीडियो देखते जाना है और कुछ नहीं, दैट्स इट।